नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कोर 100 द कंप्लीट सक्सेस में। आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी की गई रिक्रूटमेंट ड्राइव 2019 के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, नवोदय विद्यालय संगठन में असिस्टेंट कमिश्नर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स, लीगल असिस्टेंट, फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट एंड लोअर डिवीजन क्लर्क इन जवाहर नवोदय विद्यालय हेडक्वार्टर्स रीजनल ऑफिसेस ऑफ नवोदय विद्यालय समिति, ये वैकेंसी हाल ही में जारी की गई है। मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स में लाइब्रेरियन, आर्ट, म्यूजिक, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल, ये सभी को इन्वॉल्व किया गया है। डिटेल ऑफ पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी विच मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, यानी हर कैटेगरी में जितनी जितनी पोस्ट दी गई हैं उनका विवरण यहाँ पर आप हमको बता देते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, ये ग्रुप ए की वैकेंसियाँ हैं, इसमें दो अनरिजर्व की वैकेंसी हैं, एक EWS की वैकेंसी है, एक OBC की, एक SC की, टोटल वैकेंसी हैं 5। PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ग्रुप बी की वैकेंसी है, जिनका विवरण इस प्रकार से है। सीरियल नंबर, सब्जेक्ट अनरिजर्व, EWS कैटेगरी, OBC, SC, ST और टोटल वैकेंसी। बायोलॉजी की कुल वैकेंसी है 21, अनरिजर्व की हैं, EWS की 2 हैं, OBC की 11, SC की 6 और ST की हैं 3, टोटल वैकेंसी हैं 43। जबकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट की हैं अनरिजर्व 12, EWS 2, OBC 12, SC 6, ST की 3, टोटल हैं 45। इसमें एक OH की है और एक VH की है। कॉमर्स की हैं अनरिजर्व कैटेगरी में 9, EWS में 0 हैं, OBC में 4, SC में 2, ST में 1, टोटल हैं 16 वैकेंसी, एक वैकेंसी OH कैटेगरी को दी गई है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट की हैं अनरिजर्व 30, EWS 3, OBC 17, SC 9, ST 4, टोटल वैकेंसी हैं 63, एक OH की वैकेंसी है जबकि 2 VH कैटेगरी की वैकेंसी है। इंग्लिश सब्जेक्ट की हैं 19 अनरिजर्व, 2 EWS, 3 OBC, 5 SC, 2 ST, टोटल 37 वैकेंसी हैं, एक OH कैटेगरी और एक VH कैटेगरी को। जियोग्राफी सब्जेक्ट की अनरिजर्व 19, 2 EWS, 10 OBC, 5 SC, 2 ST, टोटल हैं 38, एक OH कैटेगरी और एक VH कैटेगरी को। हिंदी सब्जेक्ट की हैं अनरिजर्व की 18, EWS की 1, OBC की 9, SC की 5, ST की 2 और टोटल वैकेंसी हैं हिंदी की 35, एक OH कैटेगरी और एक VH कैटेगरी को दी गई है। हिस्ट्री सब्जेक्ट में अनरिजर्व की हैं 23, EWS की 2, OBC की 12, SC की 6, ST की 3, टोटल वैकेंसी है 46 हिस्ट्री सब्जेक्ट में, एक OH कैटेगरी और एक VH कैटेगरी को दी गई है। मैथ सब्जेक्ट में है PGT की वैकेंसी अनरिजर्व 12, EWS 2, OBC 12, SC 7 और ST की है 3, टोटल है 48 वैकेंसियां, एक OH कैटेगरी की है और एक VH कैटेगरी की। फिजिक्स सब्जेक्ट में है अनरिजर्व 20, 2 EWS, 10 OBC, 5 SC, 2 ST, टोटल 39 वैकेंसियां है, एक OH और एक VH कैटेगरी को दी गई है। कंप्यूटर साइंस में अनरिजर्व 10 वैकेंसी है, EWS की 1 है, OBC की 5, SC की 3 और एक ST की वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है 20, एक OH कैटेगरी को वैकेंसी दी गई है। इस प्रकार टोटल अनरिजर्व वैकेंसियां हैं PGT की 215, EWS कैटेगरी की 19 और OBC कैटेगरी की है 111 वैकेंसी, SC की दी गई है कुल 59 वैकेंसियां और ST की कुल है 26 वैकेंसी। इस प्रकार टोटल PGT की वैकेंसियां हैं 430, जिनमें 11 है OH कैटेगरी की और टोटल VH कैटेगरी को दी गई है 10 पोस्ट। तो दोस्तों, वैकेंसियां काफ़ी अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसियां हैं, इसलिए
दोस्तों पीजीटी की बहुत ज्यादा वैकेंसियां हैं जो कभी कभी आती हैं, इसलिए आप सभी जल्दी से जल्दी टाइम रहते हुए आवेदन कर दें, जिससे अंतिम डेट के पहुंचने पर आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी की वैकेंसियां हैं ग्रुप बी में, इस प्रकार हैं, जिनका विवरण नीचे आप दे सकते हैं। इंग्लिश की हैं अनरिजर्व 129 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 14, ओबीसी की 75, एससी की 41, एसटी की हैं 20 वैकेंसियां, टोटल हैं 279। इंग्लिश सब्जेक्ट में 279 वैकेंसी दी गई हैं, जिनमें 6 वैकेंसी ओएच कैटेगरी की और 6 वीएच कैटेगरी की हैं। हिंदी सब्जेक्ट में है 146 अनरिजर्व, 16 ईडब्ल्यूएस, 86 ओबीसी और 48 एससी, एसटी की 24 हैं। कुल वैकेंसियां हैं हिंदी की 320 टीजीटी लेवल पर, ओएच की 7 हैं और 6 हैं वीएच की। मैथ सब्जेक्ट में टीजीटी की अनरिजर्व है 117 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 13, ओबीसी की 69, एससी की हैं 38 और एसटी की 19। टोटल हैं मैथ में 256 टीजीटी की वैकेंसियां, 5 हैं जिनमें ओएच कैटेगरी की और 6 हैं वीएच कैटेगरी के लिए। साइंस सब्जेक्ट की 65 अनरिजर्व हैं, 60 हैं ईडब्ल्यूएस, 37 हैं ओबीसी की और 20 हैं एसटी की, एससी की, जबकि 10 हैं एसटी की। कुल वैकेंसी हैं साइंस में 139, 3 ओएच कैटेगरी और 3 वीएच कैटेगरी। सोशल स्टडीज में हैं अनरिजर्व कैटेगरी की हैं 73, ईडब्ल्यूएस की 8, ओबीसी की 43, एससी की 24, एसटी की 14, एसटी की है सॉरी 12, और टोटल वैकेंसी हैं सोशल स्टडीज में 160, जिनमें 4 ओएच कैटेगरी में, 3 वीएच कैटेगरी में। इस तरह टीजीटी लेवल पर टोटल वैकेंसी हैं अनरिजर्व की 530, ईडब्ल्यूएस की 58, ओबीसी की 310, 171 हैं एससी की और 85 हैं एसटी की। इस प्रकार टीजीटी लेवल पर कुल वैकेंसी 1154 हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इसलिए जल्दी से जल्दी आप समय रहते हुए आवेदन जरूर कर दें, जिससे आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स की पोस्ट यानी ग्रुप लेवल पर ही अन्य सब्जेक्टों के टीचर्स टीजीटी लेवल की पोस्ट हैं। म्यूजिक सब्जेक्ट में है अनरिजर्व 53, ईडब्ल्यूएस की 5, ओबीसी की 29, एससी की 16, एसटी की 8, कुल 111 वैकेंसी हैं, जिनमें 2 ओएच और 3 वीएच की हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट में 61 हैं अनरिजर्व, 6 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 35, एससी की 19 और 9 हैं एसटी की। टोटल हैं 130 वैकेंसियां, 8 ग्रुप में, 3 वीएच कैटेगरी की हैं और 3 हैं एचएच कैटेगरी की। पीटी फीमेल के लिए अनरिजर्व 69 वैकेंसी, 7 ईडब्ल्यूएस, 39 ओबीसी, 22 एससी और 11 एसटी। टोटल वैकेंसी 148, 2 ओएच कैटेगरी में, 2 वीएच और 2 हैं एचएच कैटेगरी में। पीटी फीमेल में 50 अनरिजर्व के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, 28 ओबीसी की 5, 15 एससी की और 7 एसटी की। टोटल 105 वैकेंसी हैं पीईटी फीमेल के लिए, जिनमें ओएच की 2, वीएच की 2 और एचएच की 1 है। लाइब्रेरियन की 34 वैकेंसी हैं अनरिजर्व, 3 वैकेंसी हैं ईडब्ल्यूएस, 18 वैकेंसी ओबीसी, 10 वैकेंसी एससी और 5 एसटी। टोटल हैं 70 लाइब्रेरियन की पोस्ट और 1 ओएच कैटेगरी में 3 वैकेंसी हैं। इस तरह मिसलेनियस कैटेगरी के टोटल पोस्ट अनरिजर्व के लिए 267, 26 पोस्ट हैं ईडब्ल्यूएस, 149 ओबीसी, 82 एससी, 40 एसटी, कुल मिलाकर 568 पोस्ट हैं मिसलेनियस टीचर्स के लिए, जिनमें 12 ओएच, 7 वीएच और 6 एचएच कैटेगरी को दी गई है। फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी लेवल पर कुल पोस्ट हैं अनरिजर्व के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 14 और टोटल पोस्ट हैं 55, वीएच के लिए 3 रिजर्व हैं। लीगल असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट हैं इस प्रकार से, अनरिजर्व की हैं 0, ईडब्ल्यूएस की 0, ओबीसी की 1, एससी की 0, एसटी की 0, टोटल पोस्ट हैं 1। कैटरिंग
कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल की टोटल पोस्ट है, अनरिजर्व की 14, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 7, एससी की 3, एसटी की 1, टोटल पोस्ट 26, जिनमें ओएच की 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट एक्स सर्विसमैन की है। लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी लेवल पर टोटल पोस्ट है अनरिजर्व की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 6, ओबीसी की 36, एससी की 20, एसटी की 10, टोटल पोस्ट 135 है, जिनमें 6 पोस्ट है ओएच लेवल पर और 13 पोस्ट है एक्स सर्विसमैन के लिए। दोस्तों देर ना करें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, समय रहते आवेदन जरूर कर दें, क्योंकि इस टाइम बंपर वैकेंसियां आई हैं नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। इसलिए जल्दी से जल्दी ऑनलाइन एप्लीकेशन करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे और किसी मोड में एप्लीकेशन ना भेजें। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी किया एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। असिस्टेंट कमिश्नर की लिए है एज, मैक्सिमम एज है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 45 साल, और क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए ह्यूमैनिटीज या साइंस या कॉमर्स किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और साथ ही आवेदक आवेदक किसी पोस्ट पर हो, उसके तुल्य पोस्ट पर हो या प्रिंसिपल की पोस्ट पर रहा हो, या 5 साल का एक्सपीरियंस रहा हो लेवल 10 के स्केल में किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। 4 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के विभिन्न सब्जेक्टों के टीचर के लिए अधिकतम एज होनी चाहिए 40 साल। इसका पे मैट्रिक्स है 47,600 से 151,100 तक। क्वालिफिकेशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीजीटी के लिए 2 साल इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या एनसीईआरटी, 50% मार्क के साथ पास आउट होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री होनी जरूरी है। नंबर 2 बीएड डिग्री होना चाहिए पीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए। नंबर 3 प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो दोस्तों अगर आप पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% नंबरों के साथ, बीएड डिग्री होनी चाहिए, टीचिंग आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में करनी आनी चाहिए। टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए क्वालिफिकेशन है सब्जेक्ट वाइज, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें निम्नलिखित क्वालिफिकेशन होना जरूरी। टीजीटी का पे स्केल है लेवल 7, 44,900 से 142,400 इन द पे मैट्रिक्स। मैक्सिमम एज है टीजीटी लेवल के लिए 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी विद एटलीस्ट 50% मार्क इन कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट, या बैचलर ऑनर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क इन कंसर्न सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड आल्सो एग्रीगेट। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज रिक्विसाइट सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इन द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, या बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होने चाहिए 50% नंबरों के साथ मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, साथ ही बीएड डिग्री आवश्यक रूप से होनी चाहिए। हिंदी टीजीटी के लिए हिंदी में ग्रेजुएट होना चाहिए साथ ही बीएड होना चाहिए। इंग्लिश टीजीटी के लिए इंग्लिश में ग्रेजुएट होना चाहिए। पीजीटी मैथ के लिए पीसीएम होना जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ग्रेजुएट होना जरूरी है। पीजीटी साइंस के लिए बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, यानी ग्रेजुएशन बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री में होना।
पीजीटी सोशल, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल स्टडीज के लिए कैंडिडेट के पास हिस्ट्री जियोग्राफी के साथ हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस या जियोग्राफी विद हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस के साथ होना चाहिए, साथ ही बीएड होना चाहिए, उसके साथ साथ सी टेट सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया होना जरूरी है। दोस्तों अगर ये कंडीशंस आपके पास अवेलेबल हैं आपकी क्वालिफिकेशन में तो आज ही आप आवेदन जरूर कर दें, लास्ट डेट का वेट न करें। मिसलेनियस टीचर्स के लिए पे स्केल है, पे लेवल 7, 44,900 से 1,42,400 तक, पे मैट्रिक्स, अपर एज लिमिट है, कैंडिडेट की आयु एज 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन म्यूजिक टीचर के लिए है, 5 साल का किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान होना अति आवश्यक। आर्ट टीचर के लिए 5 साल का रिकॉग्नाइज डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी एक डिसिप्लिन में, फाइन आर्ट में, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, क्राफ्ट, आफ्टर पासिंग ऑफ 12th और 10th एग्जामिनेशन, या इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी 4 साल का डिप्लोमा फाइन आर्ट क्राफ्ट में विश्व भारती शांति निकेतन से पास आउट भी हो सकता है, या बीएड के डिग्री के साथ डिप्लोमा इन फाइन आर्ट फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से किया होना चाहिए। पीटी यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, या डीपीएड होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश हिंदी की, रीजनल लैंग्वेजेज की, एक्सपीरियंस वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल। अगर आप लाइब्रेरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन में किसी लाइब्रेरी साइंस से डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। ग्रेजुएट विद डिप्लोमा के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। या नंबर 2, वर्किंग नॉलेज इन द इंग्लिश होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस में रेजिडेंशियल स्कूल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको वरीयता दी जा सकती है। नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर ऑपरेशंस का। लीगल असिस्टेंट के लिए पे स्केल है लेवल 6, 35,400 से 1,12,400 तक, और एज लिमिट है लीगल असिस्टेंट के लिए 18 से 32 साल के बीच। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है लीगल असिस्टेंट के लिए किसी भी लॉ डिग्री आपको रखनी चाहिए, यानी डिग्री लॉ में आपकी डिग्री है तो आप लीगल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए पे स्केल है लेवल 7, 44,900 से 1,42,400 तक, अपर एज लिमिट मैक्सिमम 35 ईयर्स, क्वालिफिकेशन पास्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। नंबर 2, ग्रेड ए 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बीएससी इन नर्सिंग। नंबर 2, रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल। नंबर 3, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन हॉस्पिटल्स और क्लिनिक। डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। कैटरिंग असिस्टेंट पे स्केल 25,500 से 81,100, मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेकेंडरी 10th क्लास, 3 ईयर डिप्लोमा इन कैटरिंग या 12th पास एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन कैटरिंग और ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। लोअर डिवीजन क्लर्क पे स्केल 19,900 से 63,200, मैक्सिमम एज लिमिट है 18 साल से 27 साल तक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी या 12th एग्जाम सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स एंड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग स्पीड्स, या 10th+2 सीनियर सेकेंडरी।
मोड ऑफ सेलेक्शन, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एंड इंटरव्यू पर्सनल इंटरेक्शन पुट टुगेदर। एग्जामिनेशन स्कीम फॉर असिस्टेंट कमिश्नर पार्ट वन, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स, टोटल 180 मार्क्स 180 क्वेश्चन एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ द पेपर 3 आवर्स। एग्जामिनेशन स्कीम फॉर PGT पार्ट वन, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस पार्ट टू 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स एंड सब्जेक्ट नॉलेज डिफिकल्टी लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स, टोटल टाइम 3 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन। पार्ट फाइव, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 क्वेश्चन होंगे इसके और 30 मार्क्स होंगे। नॉट ऑल सब्जेक्ट ऑफ PGT पार्ट 1, 2, 3 विल बी कॉमन एंड पार्ट 4 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। PGT लेवल का सब्जेक्ट स्कीम है, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, पार्ट 3 टीचिंग एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, टोटल 135 क्वेश्चन एंड 135 मार्क्स। पार्ट 5 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, इसमें जनरल हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज 15 मार्क्स का होगा, 45 क्वेश्चन होंगे इसके, 45 ही मार्क्स होंगे, टोटल ड्यूरेशन होगा पेपर का 3 आवर्स। एग्जाम स्कीम ऑफ लीगल असिस्टेंट पार्ट 1, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रिब्यूनल, सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स के होंगे, टोटल ड्यूरेशन होगी 3 आवर्स। फीमेल स्टाफ नर्स का एग्जाम स्कीम होगी, पार्ट 1 में रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, पार्ट 3 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी इंग्लिश 15 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 13 मार्क्स एंड पार्ट 4 सब्जेक्ट नॉलेज 60 क्वेश्चन 16 मार्क्स, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स से, टोटल ड्यूरेशन होगा ऑफ पेपर 2 आवर्स। कैटरिंग असिस्टेंट की एग्जामिनेशन स्कीम में पार्ट 1, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स एंड सब्जेक्ट नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, पेपर ड्यूरेशन 2 आवर्स। लोअर डिवीजन क्लर्क का एग्जामिनेशन स्कीम पार्ट 1, रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल पेपर ड्यूरेशन 2 आवर्स। पार्ट 4 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड पार्ट 5 नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। एग्जामिनेशन शेड्यूल एडमिट कार्ड intimated through the email and detailed examination schedule will be notified on NVS website. How to apply? दोस्तों, अगर आप नवोदय विद्यालय संगठन में अप्लाई करना चाहते हैं तो नवोदय विद्यालय संगठन की वेबसाइट navodaya.gov.in या NVS recruitment2019.org पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फीस रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST PH कैटेगरी को कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस एक बार पेमेंट करी कर दी गई तो वापस नहीं होगी किसी भी परिस्थिति में। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए टोटल फीस है 1500 रुपये।
फी स्ट्रक्चर, नो फी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी एंड पीएच कैटेगरीज। अगर आपने एक बार फीस पे कर दी तो वो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। पोस्ट वाइज टोटल फी पेमेंट, असिस्टेंट कमिश्नर 1500 रुपये फीस है, पीजीटी टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स के लिए 1200 रुपये फीस रखी गई है, लीगल असिस्टेंट कैटरिंग असिस्टेंट एंड लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1000 फीस रखी गई है। सभी फीस का पेमेंट ऑनलाइन करना है, नेट बैंकिंग के थ्रू ही किया जाना है। एक बार पेमेंट की गई फीस किसी भी परिस्थिति में वापस रिफंड नहीं की जा सकती। कोई भी कैंडिडेट एक से अधिक पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वह उनके लिए एलिजिबल कंडीशंस रखता है। जबकि टीजीटी पीजीटी और मिसलेनियस पोस्ट कैटेगरी कैंडिडेट शैल अप्लाई ओनली इन वन सब्जेक्ट ओनली। इंपॉर्टेंट डेट, रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट है 10 जुलाई 2019, रजिस्ट्रेशन क्लोजेज हो जाएंगे 9 अगस्त 2019 से, और फीस डिपॉजिट कर सकते हैं आप 10 जुलाई 2019 से। जबकि फीस डिपॉजिट करने की अंतिम तिथि है, अंतिम डेट है 12 अगस्त 2019। रिटर्न एग्जाम की डेट है, टेंटेटिव डेट 5 से 10 सितंबर 2019 के बीच एग्जाम्स सभी कैटेगरियों के लिए कराए जाएंगे। इन पोस्टों के लिए कोई भी इंडियन नेशनल्स अप्लाई कर सकता है। अगर दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आई हो, परीक्षा उपयोगी लगी हो, फ्यूचर में काम आने वाली हो तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल नेटवर्क पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को इस वैकेंसीज का पता चल सके और वे आवेदन कर सके। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे चैनल के टच में बने रहें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए देखिए नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट को। अंतिम तिथि से पहले आवेदन जरूर कर दें। बेस्ट ऑफ लक।